के ओरछा और कोकामेटा सरगदी सीमावर्ती इलाके में जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 19 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास माओवादियों द्वारा कोडिलियार जंगल में लाए गए आईडी के चपेट में आने से दो आईटीबीपी जवान एवं दो नारायणपुर जिला पुलिस बल के जवान, कुल चार जवान घायल हो गए थे। घायलों के इवैक्यूएशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ दो आईटीबीपी के जवान, जिनके नाम अमर पनवर एवं आईटीबीपी का दूसरा जवान राजेश, दोनों का शहादत हो गई। अमर पनवर मूलतः जिला सतारा महाराष्ट्र का, दूसरा शहीद जवान राजेश मूलतः जिला कड़प्पा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दोनों शहीद जवान का पोस्टमार्टम एवं अंतिम सलामी के पश्चात उनका गृह जिला के लिए उनके पार्थिव शरीर रवाना की जाएगी। अन्य दो घायल जवान का स्थिति अभी सामान्य है और खतरे से बाहर है। उन दोनों के इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी और उनका स्थिति बेहतर होते जा रहा है। माड़ डिवीजन में अबुझमाड़ में अंदरूनी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी। माड़ डिविजनल कमेटी के बड़े लीडर्स, इसके अलावा कंपनी एक, नक्सलियों की कंपनी एक के नक्सली थे। इस सूचना पर 17 तारीख को टीम्स निकली थी ऑपरेशन में। वही टीम जब वापस आ रही थी तो आज मुंदी कैंप से लगभग 4 किलोमीटर दूर कोडियार गाँव के जंगल में, जो कि कोकामेटा थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर नक्सलियों ने एक बड़ी आई डी का विस्फोट किया है और जिससे हमारे दो जवानों की शहादत देनी पड़ी है। इसमें एक जवान, दोनों जवान आईटीबीपी में मोदी कैंप में पोस्टेड हैं। आईटीबीपी 53 बटालियन 53rd बटालियन के हैं। एक शहीद के राजेश और एक शहीद अमर पवार, ये दोनों आईटीबीपी के जवान हैं। दोनों को शहादत देनी पड़ी है। इसके अलावा दो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान घायल हैं, जिनका इलाज सामान्य स्थिति है, खतरे से बाहर है और सामान्य है। ये दो जवान खुद से चलकर भी आए ऑपरेशन से और इन दोनों का इलाज अभी रहते हुए चल रहा है।